के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम होली स्पेशल गुजिया बनाने जा रहे हैं। कहीं कहीं पर गुजिया बोले जाते हैं, कहीं कहीं पर परुकिया बोले जाते हैं। हम परुकिया बनाएंगे, तो परुकिया बनाने के लिए हम आपको सामग्री दिखाएंगे। उससे पहले हम दो लाइन बोलना चाहते हैं कि आप लोग जब भी हमारा वीडियो देखते हैं और देखिए तो फुल वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गुजिया बनाने का। तो गुजिया बनाने का तरीका हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मैदा दिखा देते हैं। मैदा हम लिए हैं 750 ग्राम। 750 ग्राम है तो मैदा को हम इसमें छान लेते हैं, मतलब चाल लेते हैं, ताकि एयर बबल कुछ भी हो तो निकल जाए। इसी में हम चुटकी भर मीठा सोडा डालेंगे खाने वाला। तो हम इस तरह से आराम से चाल लेते हैं। सबसे पहले हम मैदा को अच्छे से लगा लेते हैं। हम 250 ml पानी लिए हैं। इस कप में 250 ml पानी आता है, तो हम आवश्यकता अनुसार पानी लेंगे। और नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं है। इसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे। आपको घी दिखा देते हैं हम मोइन के लिए। तो हम छानेंगे भी घी से, और मोइन देसी घी है। आप चाहे तो रिफाइंड वनस्पति में बना सकते हैं। टोटल हम 4 से 5 चम्मच या 1 चम्मच और ले लेते हैं, ताकि पूरा खास्ता हो। तो अच्छे से हम मोइन को मिला लेते हैं। हम अच्छे से मोइन को मिला लिए हैं, और देखिए इस तरह से बंधा जा रहा है। तो हम इनमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, और धीरे धीरे अच्छे से डो को लगाएंगे। हम अच्छे से आटा के डो लगा लिए इस तरह से, न कड़ा न मुलायम, बिल्कुल रेस्ट पर रखे हैं। अब हम मावा को फ्राई कर लेंगे। मावा के साथ देखिए, हम ये मावा हम लिए हैं 250 ग्राम, और ये नारियल का हम पनीर बनाए थे। किसी दिन हम आपको कोई वीडियो दिखाएंगे। देखिए नारियल बुरादा, इसको तोड़ दीजिएगा तो फ्रेश नारियल बुरादा हो जाएगा घर में। तो हम मावा के साथ इनको फ्राई कर लेंगे। तो आइए गैस की फ्लेम हम ऑन करते हैं। यदि हम मावा अगर फ्राई करते तो हम घी नहीं डालते, और नारियल हमको फ्राई करना है तो हमको 1 छोटा चम्मच या 2 चम्मच घी ले लीजिए, और अच्छे से नारियल बुरादा को हम डाल देते हैं। फ्राई होते रहेंगे ये इसी में, अच्छे से ही फ्राई होंगे। चलाते हैं, और तब तक हम चाशनी का भी चूल्हा जला लिए हैं। इस पे चढ़ा देते हैं पतीला। पतीले में डाल देते हैं चीनी। चीनी हम थोड़ा सा रख लेंगे मावा में डालने के लिए। करीब 50 ग्राम के करीब चीनी, हम ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, तो हम रख लिए हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, यानी कि 250 ml पानी, और इनको हम अच्छे से चलाएंगे। और इसी में हम डाल देंगे केसर, 1 चुटकी केसर। इसी में हम डाल देंगे, ये कूट लिए हम इलायची को, बहुत लोग को नहीं पसंद पड़ता है तो हम छिलका सहित हम कूट लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब चाशनी को हम बनने देते हैं। तब तक हम इधर, हमको पूरा ब्राउन नहीं करना है नारियल बुरादा को, तब इसी में हम मावा को मैश लेती हूँ। इस तरह से मैश के, दोनों हाथों से बड़ा है तो मैश कर लीजिएगा, और चलाते रहिए। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हुआ है। इसी में डालेंगे 1 छोटा बड़ा चम्मच किशमिश। किशमिश का अंगूर का डंठल लीजिए, तो साफ कर दिए। अब हम चीनी जो रखे थे हम डाल दिए हैं। अब अच्छे से हम चीनी को भी अच्छे से मावा और नारियल बुरादा जो डाले थे कर लेती हूँ। ये देखिए निकाल लिए हैं,
बॉल में। ठंडा हो हमारी लगती है तैयार हो गई है, तो देखिए चिपचिपी हो गए हैं। हमको एक तार दो तार नहीं बनानी है मैदे का डो को, तो देखिए कितना सॉफ्ट हुए हैं ये। और हमको कोई कपड़ा से भिगा के रखने का कोई झंझट ही नहीं था। तो आइए अब हम चॉपिंग बोर्ड लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड पर डो को एक बार हम फिर से मिला लेते हैं और अब भर लेते हैं, मतलब स्टफिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो अच्छे से बेल करके और ग्लास से या कोई बर्तन से आप काट सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल लोई बनाएंगे। इनको अच्छे से हम दबा लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। देखते हैं डस्टिंग की जरूरत होगा तो हम लेंगे। तो देखिए आप चाहे तो इस डो को बड़ा सा पूड़ी बेल करके, रोटी बेल करके इस तरह से काट सकते हैं। हम काटेंगे नहीं, हम डो जो बेले थे हम इनको ऐसे ऐसे काट लेंगे। ये देखिए एकदम बहुत ही अच्छे साइज के हो जाएंगे ये, और हम फिर यहाँ से इनको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए इनको हम हथेली के सहारे इस तरह से करेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। इनको भी हम साइड कर लेते हैं इस तरह से, सारे पूरी को हम इस तरह से कट। हम ये साइज के बेले हैं, रोटी से पतला होना चाहिए। एक बेल ली है और हम स्टफिंग करके भी दिखा देते हैं आपको। एक पूरी ली है और इसमें हम मावा को आवश्यकता अनुसार आप ज्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, और इस तरह से किनारा पर पानी लगा दीजिए और दोनों मुंह को सटा दीजिए इस तरह से अच्छे से। देखिए बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। आप बनाएंगी ना, बनाएंगे या बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे आपके गुजिया। तो देखिए हाथ से ही हम बना रहे हैं, कोई मशीन से नहीं बना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बन गया। हम इसी तरह चारे गुजिया को देखिए कितने अच्छे से हम आपको दिखाते हैं बनाए हैं, वो भी हाथ से, कोई मशीन नहीं। फिर से हम इस पे पानी चिपका दिए। हम लास्ट वाला आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए इसको पकड़े इस तरह से, बस इस तरह से बनाते जाए, एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए बहुत सुंदर बना है। और ये देखिए हम सारे गुजिया को बना लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसमें पैन बना लेते हैं। चूल्हे को पैन चढ़ा दिए। अब पैन में हम डालेंगे देसी घी। ये देखिए टोटल मिला करके 500 ग्राम घी लगे हैं, उसमें से हम मोइन भी दिए हैं। तो घी घी लगती है कि गर्म हो गई है, तो इनको देख लेते हैं। हम बारी बारी से एक डाल देती हूँ इनमें। ये देखिए बारी बारी से डालेंगे हम इसी तरह से। हम और गुड़िया को हम कितना बढ़िया से ये तैयार हुई है। अब मैं इन्हें अच्छे से पलट लेती हूँ। ये देखिए पलट लीजिए। हाँ ये देखिए कितना बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे से। ये नहीं पलटिएगा इनको तो देखिए क्या हो रहा है, ये ब्लास्ट करेंगे। इनको ब्लास्ट ना करने दीजिए इस तरह से। हाँ बहुत ही अच्छे से, एक भी नहीं मुंह खुले हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गई है ये भुजिया। अब इन्हें हम निकालेंगे। हाँ कितना बढ़िया है। और निकाल करके इस तरह से घी को संगाड़ ले। संगाड़ने के बाद सीधे आप इसे चाशनी में, यहाँ देखिए गर्म है अभी चाशनी बहुत, हम इनमें डाल दें। आराम आराम से डालें, आपका गुजिया टूटे नहीं। इसी तरह से हम डालते जाएंगे। तो देखिए हम इसमें डाल दें, आपको पूरा दिखा देते हैं हम इस तरह से। हम
गुजिया कितना बढ़िया बना करके रेडी कर लिए हैं, तो आपको पता ही होगा आप सभी को गुजिया कहाँ की फेमस है। बिहार थावे का, थावे माई जहाँ है वहाँ का गुजिया फेमस है, तो हम इसीलिए गुजिया बनाए हैं। वैसे भी होली का पर्व है तो होली के लिए भी बना लिए हम। होली में गुजिया अक्सर बनते हैं और पुआ पूरी खाते खाते लोग उग जाते हैं, तो गुजिया ही खाते हैं लोग। तो होली मिलन का है, तो गुजिया अगर हमको, हमारा गुजिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर नए दोस्त फ्रेंड हैं हमारे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग देख करके इस तरह से बनाइए और खाइए और सबको जो खिलाइए। और अगर हमको देखना सुनना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर फूडी जोन है, फूडी जोन पर आप हमको सुन सकते हैं, तो वहां भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन उसमें भी दबा दीजिएगा, तभी हमारा नोटिफिकेशन आने वाला आपको मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर भी है, वहां भी रसोई मीना की ही है, तो वहां भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं। टिकटॉक पर भी हम हैं, वहां भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बनाइए, खाइए, बेल आइकन दबाना ना भूले। यूट्यूब पर इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि फ्री है, सब्सक्राइब करना भी, बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।